केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। जातीय शिक्षा नीति को पूरी ला 2 वर्ष, 2 वर्षर सफलता नहीं स्वतंत्र कार्यक्रम, देशर शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने प्रयास, गुणात्मक शिक्षा सह दक्षता विकास पर गुरुत्व। देशर जातीय शिक्षा नीति को 2 वर्ष पूरा अवसर में नुआ दिल्ली में आयोजित हो जाइछि स्वतंत्र कार्यक्रम। एथिरे गृहमंत्री अमित शाह, केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोग देते। कार्यक्रम आरंभ में देशर विभिन्न स्कूल छात्र छात्री मान द्वारा प्रदर्शित होता सांस्कृतिक कार्यक्रम। एथसहित देशर शिक्षा व्यवस्था एनईपी लागू होगा पर आसीबा जुगांतकारी परिवर्तन नहीं वीडियो क्लिप माध्यम रे प्रदर्शन करा जायतिला। मेरी किताबें कहती हैं अब कहानियां नहीं, मेरी आंखों में है अब सपने नए, हुनर की हुंकार है अब, निज भाषा की धार है अब। कार्यक्रम में जोगदे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गुणात्मक शिक्षार गुरुत्व उपर आलोकपात करते। शिक्षा व्यवस्था सुधार आणवाक एनईपी में नि बड़ पदक्षेप, गुणात्मक शिक्षा सह दक्षता विकास उपर गुरुत्व दि जाए, क्लास वन टीवी चैनल उपर गुरुत्व दि जाए, देशर विभिन्न स्थान में स्किल हब सेंटर कर युववर्ग को सशक्त करने रोजगारक्षम कर सुजोग प्रदान कर। इस शिक्षा नीति की क्रियान्वयन हो रहा है, मैं एक ही शब्द कहूंगा, शिक्षा पिछले कई दशकों से कई सदियों से ये तो कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने उसी विषय को बनारस में कहा, मैं जिस बच्चों को अभी देख के आया हूं क्या उनको संभालने के लिए आप तैयार हो, मैं भी आपके सामने उसको दोहराता हूं। उन्होंने और एक विषय बनारस में कहा, हमें 1835 में, आज अगर हम 2022 में उसको गिने, 2035 अब से चंद साल बाकी है, उस समय के अंदर आने वाले 12-13 साल के अंदर मैकोले व्यवस्था जो भारत को पराधीन करने के लिए, भारत को नीचे करने के लिए, भारत की मानसिकता को अख्तियार करने के लिए एक रचना बनाई गई थी, वो आज भी चल रहा है, उसी की विकल्प में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको पराधीनता की मानसिकता से बदल के भारतीय मानसिकता को विकास करना। सेहीपरि एक कार्यक्रम में एनईपी नूतन कार्यपंथा और पदक्षेप गुड़ी उद्घाटन करते केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। उपस्थित छात्र छात्री को उद्बोधन दे शाह कहते, शिक्षा ज्ञान संस्कृति को सतेज करे जातीय शिक्षा नीति। जातीय शिक्षा नीति 2020 को सकारात्मक दृष्टि रे देखा जाउछि, भारतर शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तर में परिचित कराई शिक्षा नीति। जातीय शिक्षा नीति द्वारा व्यापक रोजगार सृष्टि हो पारिछि। किसी को लगता होगा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर जब स्टूडेंट शिक्षा छोड़ता है तब तक पूरी शिक्षा व्यवस्था के बीच में शिक्षा नीति से सामंजस्य बनेगा, यह भी दिखाई पड़ता है, पड़ता होगा, परंतु मैं देखता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये महान भारत की रचना की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत रचना का कारण बनने वाली है। देशरे प्रधानमंत्री नेतृत्व में जातीय शिक्षा नीति फलप्रद सब्यस्त होनईपी सफल 2 वर्ष रूपातरण स्पष्ट हो। रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ये देश की शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों के समय की संकुचित